ये तो हमारी बात चल रही थी कुछ मेथड्स के ऊपर, और हमने ये देखा था कि मुख्तलिफ टाइप के मेथड्स हो सकते हैं, और उन मेथड्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है मेथड ओवरलोडिंग का। सही है। अच्छा, अब बेसिकली हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स, और उसमें सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि क्वेश्चन कुछ इस किस्म का होना चाहिए कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, और दूसरी बात ये कि क्लास किसे कहते हैं, और तीसरी बात ये कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। हाँ भाई, किसी को पता है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड क्लास? ऑब्जेक्ट क्लास से बनता है, और क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? बोल दो यार, क्या होगा, ज्यादा बेइज्जती कर दूंगा मैं, और क्या होगा। इज्जत बेइज्जती दोनों साइड पे रख दिया करो बेटा, अब रख दो। अब उम्र तुम लोगों की ऐसी आ गई है कि ये हिस्सी खत्म कर लोगे जिसमें बेइज्जती फील हो, वैसी शादी होने वाली है तुम लोगों की। हाँ बताओ, डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट? क्लास एक पूरा सिस्टम होता है। अच्छा, और अच्छा, और वही टेक्निकल बात। कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें आपने बिल्कुल ही गलत बता दी। और किसी ने नहीं देखा क्लास और ऑब्जेक्ट, ये तो बेसिक सवाल है यार, सबसे पहला सवाल होता है इंटरव्यू में, जरा ऑब्जेक्ट और क्लास का डिफरेंस बताइए। बेसिकली क्लास ब्लूप्रिंट होता है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है। अच्छा चलें, एक लफ्ज, एक सेंटेंस है, इसको जरा समझें। कहा जाता है जनाब, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, सही? क्या मतलब है इसका? हर चीज एक ऑब्जेक्ट है से क्या मुराद है? क्लास जो होता है ना, वो बेसिकली अब ब्लूप्रिंट होता है, इससे क्या मुराद है? टेम्पलेट से होने से क्या मुराद है? फिजिकली ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, क्लास नहीं करते, इससे क्या मुराद है? ठीक है, अब इसको आपको समझाना पड़ेगा क्योंकि आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं। अच्छा चले, देखिए ऑब्जेक्ट ना क्लास से बनता है, बगैर क्लास के ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, पहली बात तो ये समझ लें, ठीक हो गया? अच्छा, अब मैं आपसे कुछ सवालात कर रहा हूँ, उसके जवाब दीजिएगा। पहला सवाल ये है कि क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है? अच्छा, इंसान को देखा है? कहाँ देखा है भाई इंसान को? ये तो इंसान का ऑब्जेक्ट है, इंसान को देखा है? भाई इंसान को देखा है? इंसान को
कौन कहाँ देखा इंसान को, ये तो इंसान का ऑब्जेक्ट है। इंसान देखा इंसान, यानी आप किसी को पॉइंट करके बोले ये इंसान है, तो वो जो भी होगा वो इंसान का ऑब्जेक्ट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, बॉडी नहीं, इंसान एक क्लास है, ह्यूमन एक क्लास है और हम सब उसके ऑब्जेक्ट हैं। मिसाल के तौर पे ये जो कप है, ये कप की क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट है, क्लास नहीं है। इसी तरीके से ये लैपटॉप, लैपटॉप की क्लास का ऑब्जेक्ट है लेकिन क्लास नहीं है। जो भी चीज आपको नजर आती है, जिसको आप देखते हैं, वो किसी ना किसी क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्लास नहीं होती है। वो क्लास एग्जिस्ट करती नहीं है भाई, इंसान कोई चीज थोड़ी है, लेकिन हम सब इंसान के ऑब्जेक्ट हैं, तो इंसान बेसिकली क्लास है। तेरी बात समझ में आ रही है? स्पीशीज वाली बात नहीं, नहीं स्पीशीज वाली कोई बात नहीं कर रहा मैं भाई। फैन है, फैन जो है वो फैन की क्लास का ऑब्जेक्ट है। किसको? हाँ तो वो क्लास की चाइल्ड क्लास होगी, लेकिन जो भी चीज फिजिकली एग्जिस्ट कर रही है वो एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है। देखिए, एक क्लास के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, सही है ना? तो इसका मतलब ये कि वो ऑब्जेक्ट किसी ना किसी बिलोंग, किसी ना किसी क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। क्लास क्या होती है, क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? नहीं, क्लासिफिकेशन किसे कहा जाता है? हाँ, मिसाल के तौर पे मैं क्लासिफाई कर दूं कि भाई फेल होने वाले इधर आ जाएं, पास होने वाले इधर आ जाएं, ये मैंने दो क्लासेस बना दी। ये मैं कह दूं कि मर्द इधर आ जाएं और ख्वातीन इधर आ जाएं, ये क्लासिफिकेशन हो गई, जेंडर बेस्ड क्लासिफिकेशन हो गई। या मैं कहूँ गोरे इधर आ जाएं, काले इधर आ जाएं, ये एक क्लासिफिकेशन हो गई। दो अलग अलग क्लासेस बना दी मैंने। या मैं कहता हूँ 20 साल से कम उम्र वाले इधर आ जाएं, 20 साल से ज्यादा उम्र वाले इधर आ जाएं, ये क्लासिफिकेशन है ना। तो क्लास बेसिकली ये होती है कि कुछ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, उनके एक्शन सिमिलर होते हैं, उसको बोलते हैं क्लास। और वो सारे जो चीजें हैं वो उसका ऑब्जेक्ट होती है। तो ये जो टर्म है ना, सेंटेंस है, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे सोच के बताएं, कौन सी ऐसी चीज है जो कि ऑब्जेक्ट नहीं है? भाई पेन जो है वो पेन की क्लास का ऑब्जेक्ट है, लाइट लाइट की क्लास का ऑब्जेक्ट है, डोर डोर की क्लास का ऑब्जेक्ट है, चेयर चेयर की क्लास का ऑब्जेक्ट है, चाय चाय की क्लास का ऑब्जेक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट नहीं, एब्स्ट्रैक्ट भी क्लास ही होती है, एब्स्ट्रैक्ट चीज भी क्लास होती है। क्लास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन एवरीथिंग ऑब्जेक्ट होती है और वो किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करती है। समझ में आ रही मेरी बात? फलसफा पढ़ा रहा हूं मैं आपको। मिसाल के तौर पर हमारा प्लेनेट है, तो वो प्लेनेट की क्लास का ऑब्जेक्ट है। सूरज जो है वो स्टार की क्लास का ऑब्जेक्ट है। मैं ये तो कह रहा हूँ, फिजिकली ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हर ऑब्जेक्ट किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, कोई एनिमल है तो वो किसी ना किसी क्लास के एनिमल से बिलोंग करता है, एनिमल क्लास से बिलोंग करता है वो। समझ में आ रही बात? चलें, कुछ देर में और समझ में आ जाएगी। देखें, क्लास जो होती है ना, कोई भी जो क्लास होती है, इस सॉल्यूशन को मैं क्लोज कर रहा हूँ और हम यहाँ पे एक नया सॉल्यूशन बना रहे हैं और उसका नाम हम रखेंगे जनाब
क्लास कोई भी होती है ना, तो ये जहन में रखिएगा कि ये मैंने क्लास बना दी। मिसाल के तौर पे मैं ह्यूमन की ही क्लास बना रहा हूँ। क्लास क्या चीज़ होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास बेसिकली उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है उसमें प्रॉपर्टीज, और दूसरी चीज़ होती है उसमें एक्शंस। ये दोनों चीज़ें मिलकर एक क्लास बनाती हैं। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उनके प्रॉपर्टीज और एक्शंस मिलते जुलते हों तो आप कहेंगे कि वो सेम क्लास से बिलोंग करती हैं। जैसे हम सब हैं, तो हम सब के अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं क्योंकि हम सब एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। मिसाल के तौर पे एक ह्यूमन के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? प्रॉपर्टीज से मुराद कोई ऐसी चीज जिसमें कोई वैल्यू स्टोर की जा सके, यानी कि कोई वेरिएबल। भाई हमारा नाम है ना, तो नेम क्या है? ह्यूमन की एक प्रॉपर्टी है ना। इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग होनी चाहिए, सही है। फिर इसी तरीके से हमारे अंदर एक चीज है जिसको बोला जाता है IQ। अब देखिए नाम जो है ना वो ह्यूमन के हर ऑब्जेक्ट में होगा, वैल्यू डिफरेंट होगी। IQ हर ऑब्जेक्ट में होगा, वैल्यू डिफरेंट होगी। ठीक इसी तरीके से स्पीड, ह्यूमन के हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई स्पीड होगी, वैल्यू डिफरेंट होगी। किसी की स्पीड ज्यादा होगी, किसी की स्पीड कम होगी, सही है। इसी तरीके से हाइट, ये हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई हाइट होगी, किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। इसी तरीके से वेट, समझ में आ रही बात? ये सारी ह्यूमन की प्रॉपर्टीज हैं, और ज़ाहिर है बहुत सारी हैं। आप लिखने बैठेंगे तो गुम हो जाएंगे आप, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं ह्यूमन के अंदर, सही है। तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं भाई? हर क्लास में होती हैं प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और क्लास बना देता हूँ, मैं क्लास बना देता हूँ फैन की, तो फैन की क्लास में क्या प्रॉपर्टीज होंगी? फैन की क्लास में स्पीड होगी उसकी प्रॉपर्टी, उसका कलर होगा, ठीक है, उसकी कोई टाइप होगी, किस किस्म का फैन है, सीलिंग है, पेडिस्टल है, एग्जॉस्ट फैन है, क्या है, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज है ना, जिसमें कोई वैल्यू आ सकती है। जिस तरह की वैल्यू है उस तरह की डेटा टाइप है। फिर दूसरी चीज होती है एक्शंस। वो क्लास के जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं? जो एक्शंस होते हैं ना इनके मेथड्स बनते हैं। मिसाल के तौर पे ह्यूमन क्या क्या करता है भाई? सांस लेता है, सोचता है, सही है। या चले मिसाल के तौर पे ह्यूमन जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है कि वो सीखता है, सही है। तो ये एक्शन हर ह्यूमन के ऑब्जेक्ट को अवेलेबल है, लेकिन मसला ये है। अच्छा, इसमें कोड भी सेम लिखा हुआ है, यानी सीखने का जो प्रोसेस है वो सबके लिए सेम है, लेकिन सबको समझ अलग अलग आता है। क्यों? क्योंकि IQ के अंदर वैल्यू डिफरेंट है। समझ में आ रही मेरी बात? मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि आप सब बेसिकली एक प्रोग्राम है, आपकी कोडिंग हुई हुई है। समझ में आ रही मेरी बात? सही है। अच्छा, और क्या क्या है मिसाल के तौर पे? और क्या क्या करता है ह्यूमन? मिसाल के तौर पे ह्यूमन भागता है, ये उसका एक्शन है ना। भागने का तरीका किसी ह्यूमन का दूसरे से अलग है, सब एक ही तरीके से भागते हैं। क्या ख्याल है? अगर हम सब भागना शुरू करें तो ऐसा तो नहीं ना कि कोई हाथों से भागना शुरू कर देगा, सबका वही तरीका है। तो
कोड, यानी कि सेम कोड लिखा हुआ है, लेकिन ये कोई आगे निकल जाएगा कोई पीछे रह जाएगा, क्यों? सबकी स्पीड अलग अलग है, समझ में आ रही बात? क्या कह रहा हूँ मैं? प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उनमें वैल्यू डिफरेंट होती है, एक्शन सबके अंदर है, ठीक है? बात समझ में आ रही मेरी? यानी आप एक एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है ह्यूमन की क्लास का, और ह्यूमन की क्लास का कोड लिखा हुआ है जो कि सबके लिए सेम है, लेकिन मसला ये है कि प्रॉपर्टीज में वैल्यू डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल स्किन कलर एक प्रॉपर्टी है, वैल्यू सब में डिफरेंट है, क्या ख्याल है? ठीक है, अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो चेंज होती रहती हैं और कुछ ऐसी हैं जो फिक्स्ड हैं। मिसाल के तौर पे आपकी हाइट और वेट चेंज होती रहती है, नाम सेम रहता है या आईक्यू सेम रहता है, बात समझ में आ रही है? तो अब ह्यूमन के जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे ना, उन सब के अंदर ये सारी चीजें होंगी, ठीक है? ह्यूमन का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? आप मेन में आकर ह्यूमन का ऑब्जेक्ट ऐसे बना देंगे, ह्यूमन जैसे आपने लिखा असलम, तो अब असलम ह्यूमन की क्लास का ऑब्जेक्ट है। जिस तरह इंटीजर आई लिखता हूं मैं, तो आई की डेटा टाइप क्या होती है? इंटीजर। तो असलम की डेटा टाइप क्या है? ह्यूमन है, तो ह्यूमन एक डेटा टाइप है। तो जब भी आप कोई क्लास बना रहे होते हैं तो एक नई डेटा टाइप बना रहे होते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने एक ह्यूमन बना लिया असलम, ठीक है। अच्छा, इसको बनाने का तरीका यह है कि आप ऐसे लिखेंगे इक्वल्स टू न्यू ह्यूमन, ये बन गया नया ह्यूमन, सही है? बात समझ में आ रही है? अब आप असलम के मेथड कॉल कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे असलम डॉट रन, उसके लिए इस रन के मेथड को बनाना होगा पब्लिक। सारे मेथड ऐसे होते हैं जो आप कॉल कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आप कॉल ही नहीं कर सकते। तो रन को अगर कॉल करने के काबिल रखना है तो इसको पब्लिक बनाना होगा। तो ये रन का मेथड मैंने कॉल कर लिया, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है भाई? ऑब्जेक्ट फिजिकली एग्जिस्ट करता है, लेकिन विदाउट क्लास हम ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, ठीक है? समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, क्लासेस में चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास भी होती है, क्लासेस के अंदर दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट भी होते हैं, आएंगे आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ना, ये पूरा फलसफा यहाँ बयान हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। अच्छा जनाब, तो ये ह्यूमन की क्लास का ऑब्जेक्ट है क्या? असलम है, असलम का हमने रन मेथड कॉल कर लिया है, सही है? ठीक है, अब इसमें मैं कुछ लिखता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया कंसोल डॉट राइट लाइन, मैंने इसके अंदर जाके लिखा भाई ह्यूमन इज रनिंग, तो अब क्या होगा? लिखा हुआ क्या आएगा यहाँ पर जब मैं ये कॉल करूंगा? तो लिखा हुआ आएगा ह्यूमन इज रनिंग। जी यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट रीड लाइन, तो लिखा हुआ आएगा जी ह्यूमन इज रनिंग, सही है ना? अब ह्यूमन इज रनिंग जो है ना, वो इसलिए लिखा हुआ आ रहा है कि हमने यहाँ लिखा हुआ ह्यूमन है, नेम नहीं लिखा हुआ। तो अब यहाँ पे एक और बात आप समझ लें कि दो तरह के वेरिएबल होते हैं सी शार्प में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। एक होता है जिसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे। एक होता है क्लास या इंस्टेंस वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल, अच्छा अब ये समझ लें कि कोई भी वेरिएबल या मेथड बनाना है ना, तो वो किसी क्लास में होगा, क्लास के बाहर कुछ नहीं होता,
यानी हर चीज़ किसी न किसी क्लास से बिलोंग करती है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक वो होते हैं जो क्लास के अंदर हों और किसी मेथड के अंदर बनाए जाएं, जैसे कि मैंने ये बना दिया, इसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि मैंने इसको डिक्लेयर किया है मेथड के अंदर, क्लास के अंदर तो होगा ही होगा क्योंकि मेथड किसी क्लास में होता है, क्लास के बाहर कोई मेथड नहीं होता, अलग से कोई मेथड नहीं होता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, किसी ना किसी क्लास में होगा। तो वेरिएबल अगर क्लास के अंदर है और मेथड के भी अंदर है तो वो लोकल है, लेकिन अगर वो मेथड से बाहर डिक्लेयर हुआ है लेकिन क्लास के अंदर है तो वो कहलाएगा क्लास वेरिएबल। ये क्लास वेरिएबल है क्योंकि ये क्लास से बिलोंग करते हैं, क्लास लेवल वेरिएबल है। ऐसे ही फजूल में ऐवें ही किसी को क्लास वेरिएबल नहीं बनाया जाता, उसकी उसको होना चाहिए क्लास वेरिएबल। बात समझ में आ रही है मेरी? तो ये जहन में रखिएगा कि एक्सेस मॉडिफायर क्लास वेरिएबल्स में लगते हैं, लोकल पे नहीं लगते, ठीक है। अब ये एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं? दो, वैसे तो चार है, मैं भी सिर्फ दो बता रहा हूं। एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। ये कीवर्ड है, इसका मतलब ये है कि इस क्लास वेरिएबल को आप कहां कहां एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक का मतलब है कि इसको आप जहां दिल चाहे एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर ये असलम का ह्यूमन मैंने बनाया तो मैंने लिखा जनाब असलम डॉट नेम इक्वल्स टू असलम, ठीक है। तो असलम की नेम प्रॉपर्टी में क्या सेट हो गया? असलम सेट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे ह्यूमन के बजाय लिख देता हूँ नेम इज रनिंग, सही है? तो क्या लिखा हुआ आएगा यहां पर? असलम इज रनिंग। बात समझ में आ रही है? ह्यूमन की क्लास के आप जितने चाहें ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, ये आ गया वसीम, न्यू ह्यूमन, ठीक है। हमने लिखा वसीम डॉट नेम इक्वल्स टू वसीम, फिर हमने वसीम डॉट रन कॉल कर दिया। ये रन का मेथड क्या प्रिंट करेगा? वसीम इज रनिंग। कोड सेम है लेकिन असलम के लिए प्रिंट कर रहा है असलम इज रनिंग, वसीम के लिए कर रहा है कोड सेम है। यही रन का मेथड है, हमने असलम के लिए भी कॉल करा, यही रन का मेथड हमने वसीम के लिए भी कॉल किया। तो असलम भी एक ऑब्जेक्ट है और वसीम भी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं किसके? ह्यूमन के, ठीक है। आप जितने चाहें ऑब्जेक्ट बना लें, ठीक है। एक फरखंदा का बना लें, एक शुमैला का बना लें, वो भी ह्यूमन के ही ऑब्जेक्ट हैं। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है। तो अब आप ह्यूमन के जितने चाहे ऑब्जेक्ट बनाएं, हर ऑब्जेक्ट में यही प्रॉपर्टीज होंगी, सही है, और यही एक्शंस होंगे। यहां पे मैं लिखूंगा जनाब इज लर्निंग। अब अगर मैंने यहां पे ये मेथड कॉल किया तो लिखा हुआ आ जाएगा जनाब वसीम इज लर्निंग। ठीक है। अच्छा, अब देखें यहां पर ये हो गए एक्शंस यानी कि मेथड्स, ये हो गए प्रॉपर्टीज, और एक्सिस मॉडिफायर लगते हैं जनाब किस पे? क्लास वेरिएबल। पब्लिक का मतलब है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक्सिस मॉडिफायर्स
कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ कहाँ एक्सेस नहीं कर सकते, सही है। अच्छा आप देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्ट बनने के बाद भी चेंज होती रहती हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्ट बनते वक्त फिक्स हो जाती हैं, फिर बाद में चेंज नहीं होती। मेरी बात समझ में आ रही है? मिसाल के तौर पे आपका नाम कब रखा जाता है? जब आप पैदा हो गए, ठीक है, वो बाद में रेयरली किसी का चेंज होता है, लेकिन ज़्यादातर तो वही रहता है ना, ठीक है। या आईक्यू जैसे मैंने कहा, वो चेंज नहीं होगा। कोई डफर है तो डफर ही रहेगा, कोई अकलमंद है तो रहेगा, वो अकलमंद ही ढीला हो जाए तो बात और है, सही है। लेकिन हाइट चेंज होती रहती है, वेट कम ज्यादा होता रहता है, ठीक है, एज चेंज होती रहती है, सही है ना। डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं होती ना, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हैं आप? जैसे उमर शरीफ कहता ना कि एक दफा मैं वहां पैदा हुआ था, फिर अच्छा नहीं लगा, फिर मैं दोबारा वहां पैदा हुआ था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। डेट ऑफ बर्थ तो एक फिक्स्ड वैल्यू, कभी चेंज नहीं होगी, एज चेंज हो सकती है। तो इसीलिए कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्ट बनते वक्त फिक्स हो जाती हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसी वैल्यूज को जिनको आप चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट बनते वक्त फिक्स हो जाए या कोई वैल्यू उनमें इनिशियलाइज हो जाए, तो उसके लिए आप एक खास किस्म का मेथड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है भाई? हाँ जी, कंस्ट्रक्टर क्या होता है? हाँ नहीं नहीं कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है, लेकिन एक खास किस्म का मेथड होता है। इसकी खास बात यह होती है कि इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि इसका जो नाम है ना, वो बराबर होता है क्लास के नाम के, और यह खुद ब खुद कॉल होता है, आप इसको कॉल नहीं करते। जैसे रन का मेथड है तो ये आप कॉल करेंगे तो कॉल होगा, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, ये खुद ब खुद कॉल होता है। और कब कॉल होता है? जब ऑब्जेक्ट बनता है। ऑब्जेक्ट कब बनता है? जब आप इस तरह ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो देखें, लाइन नंबर 14 पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और लाइन नंबर 18 पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सही है। कंस्ट्रक्टर के अंदर नॉर्मली हम क्लास वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं, सही है? मिसाल के तौर पे मैं यहां पे लिख देता हूं हाइट इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 2 और वेट मैंने लिख दिया जनाब 10। वैसे हाइट और वेट 0 तो नहीं होते ना, ये कब की बात है? जब ऑब्जेक्ट बन रहा है, सही है। अच्छा, नेम अलबत्ता मैं यहां पे क्या सेट करूं भाई? तो हम ये कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर पास करवा सकते हैं और वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और फिर वो उन पैरामीटर में यहाँ पास करना होगा, बात समझ में आ रही है? तो आप ये जो ह्यूमन है ना, इसका नाम वसीम सेट हो जाएगा चाहे आप ऐसे सेट करें ना करें, और इसका असलम सेट हो जाएगा चाहे ऐसे सेट करें ना करें, क्योंकि ये असलम कहाँ जा रहा है? एन में। और एन कहाँ जा रहा है? नेम में। तो नेम में क्या चला गया? असलम चला गया। और वसीम कहाँ चला गया? नेम में चला गया, इस ऑब्जेक्ट के लिए। ये बात समझ में आ रही है? तो एक आपके पास असलम वेरिएबल है और एक वसीम है। अच्छा,
मैं चाहूँ तो अभी भी चेंज कर सकता हूँ, मैं अगर लिखूँ वसीम डॉट नेम इक्वल्स टू जमील, अभी नाम चेंज हो गया, तो आप ये कर सकते हैं कि नेम को पब्लिक के बजाय प्राइवेट कर दें। प्राइवेट करने से ये होगा कि अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते इस तरह, समझ में आ गई बात। अब यही सेट होगा, ये एक दफा सेट हो गया तो फिर उसके बाद चेंज नहीं होगा, मेरी बात समझ में आ रही है? हमारी मर्जी है ना, अगर आप चाहते हैं कि चेंज ना हो तो प्राइवेट रखते हैं, अगर आप चाहते हैं चेंज हो तो पब्लिक रखते हैं, तो आपके ऊपर है ना, कोडिंग आप कर रहे हैं ना, ह्यूमन की कोडिंग आप नहीं कर रहे हैं। मैं समझा रहा हूँ आपको, ह्यूमन के एग्जांपल में इसलिए ले रहा हूँ ताकि बात आपको समझ में आ जाए। आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हुए ह्यूमन की क्लास नहीं बनाएंगे कभी, आप कौन सी क्लासेस बनाएंगे भाई? मिसाल के तौर पर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि इस कमरे के अंदर हर चीज को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करेगा, तो आप फैन की क्लास बनाएंगे, एसी की क्लास बनाएंगे, डोर की क्लास बनाएंगे, फिर डोर ऑन करेंगे तो डोर खुल जाएगा, ऑफ ऑफ क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, एसी के ऑन पे क्लिक करेंगे तो एसी ऑन हो जाएगा, एसी ऑफ करेंगे तो एसी ऑफ हो जाएगा, समझ में आ रही बात? तो इंटरफेस के अंदर यहाँ वाली चीजें होंगी जो यहाँ पर है, तो इस किस्म का सॉफ्टवेयर आप बनाएंगे तो उसमें यूज होगा। अब ह्यूमन का तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता ना कोई, समझ में आ गई बात? मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ ताकि बात समझ में आ जाए, ठीक है? तो बेसिकली जो मैंने आपको बात समझाई वो ये कि एक होती है क्लास और एक होता है जनाब ऑब्जेक्ट। क्लास में क्या क्या चीजें होती हैं? प्रॉपर्टीज और एक्शंस होते हैं। प्रॉपर्टीज बनती हैं वेरिएबल्स और एक्शंस बनते हैं क्या? मेथड्स। और एक खास किस्म का मेथड होता है, उसका नाम होता है कंस्ट्रक्टर, वो होता है क्लास वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए, सही है? क्लास वेरिएबल्स के साथ दो तरह के एक्सेस मॉडिफायर यूज होते हैं, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट, सही है? अभी तक यहीं तक हमने पढ़ा है, इससे आगे नहीं पढ़ा, अभी इसमें बहुत कुछ है, आगे पढ़ेंगे।